हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पारुल यूनिवर्सिटी पर मैं पूरा एक सीरीज बनाऊंगा और उसी सीरीज के तहत मैं आज आपको बीटेक कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि बीटेक कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना लंबा ये कोर्स होता है, कैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं यहाँ पर, इसके अलावा किस तरह की कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पर, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के तहत आपको देने वाला हूँ। और ये वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो पूरा एंड तक देखना, देखो बीच बीच में छोड़ के मत देखो, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ और जो तुम्हारे बहुत काम का एक वीडियो रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि बीटेक और बी में डिफरेंस क्या होगा। देखो बीटेक और बी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बस नाम का डिफरेंस है। जैसे बीएमएस और बीबीए में कोई डिफरेंस नहीं होता, वैसे ही बीटेक और बी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होता। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ें या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ें, दोनों ही 4 साल का प्रोग्राम है। कुछ कॉलेजेस बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी देते हैं और कुछ कॉलेजेस बी देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। और एक खास बात मैं आपको बताऊं अगर पारुल के बारे में, तो पारुल एडवांस स्पेशलाइजेशन दे रहा है। एडवांस स्पेशलाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दे रहा है, ब्लॉकचेन पे दे रहा है, मशीन लर्निंग पे दे रहा है, डेटा साइंस पे दे रहा है, ये सारे एडवांस स्पेशलाइजेशन जो हैं तो बहुत कम जगह अवेलेबल है। पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। तो खास बात ये है, अगर मैं बात करूँ इनकी पैकेज की, तो हाइएस्ट पैकेज जो इनका गया है वो 30 लाख रुपीज़ का गया है। 30 लाख रुपीस पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको बात करूं दूसरी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कितने स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, तो स्पेशलाइजेशन 24 स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ स्पेशलाइजेशन जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो बहुत कम जगहों पर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। इसके अलावा बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी मिल रहा है। मतलब अगर आप अलग अलग करते हैं तो 4 इयर्स का बीटेक होगा और 2 इयर्स का एमटेक होगा, बट अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो टोटल 5 इयर्स में आपका बीटेक प्लस एमटेक भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर मैं बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी की बात करूं कि क्या एलिजिबिलिटी है अगर आपको पारुल यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो बहुत सिंपल है। पारुल यूनिवर्सिटी 2 तरह के एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करता है, जेई मेन्स और जीयूसीटी। देखो आपको अपीयर दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को अपीयर नहीं करें और फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत देगा। तो आप कोशिश करें जेई मेन्स या जीयूसीटी को अपीयर रहें। ठीक है, आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर कितना मिनिमम स्कोर या परसेंटाइल चाहिए, तो ये कहीं डिफाइन नहीं किया है उन्होंने। बस उन्होंने ये कहा है कि आपका कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए वहाँ पर। दूसरा, एकेडमिक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो 12th में मिनिमम 45% होना चाहिए और फिजिक्स और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होने चाहिए। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूं अगर फीस की, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बीटेक की फीस है वहां पर वो 1,25,000 से 35,000 के बीच में है पर ईयर की। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, अकोमोडेशन वगैरह सबका अलग फीस होगा, लेकिन ट्यूशन फीस की अगर बात करूँ तो सिर्फ 1,25,000 to 1,50,000 के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो आप लेने जा रहे हो। बीटेक इंडस्ट्री एम्बेडेड कोर्स जो है इनका, वो 8 लाख रुपीज़ इनकी फीस है टोटल पूरे 4 साल की, मतलब 2 लाख रुपये पर ईयर। बीटेक लैटरल एंट्री, अगर आपको लैटरल एंट्री लेना है मतलब सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लेना है, तो उसके लिए इसकी फीस जो है वो 4 लाख रुपीज़ है 3 इयर्स का, मतलब 1,33,000 के आसपास आपका होता है। लैटरल एंट्री में आपका एडमिशन लेने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप ITI या आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी कहीं से फर्स्ट ईयर कर चुके हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें भी आपको 50% मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। फिर मैं बात करूं अगर आपका प्लेसमेंट का, तो एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज जैसा मैंने आपको बताया 30 लाख की है। जो टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर वो है रिलायंस डिजिटल, TCS, इन्फोसिस, अमेजॉन, HDFC, ऐसी कंपनीज आती हैं। और अभी तक 11,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो देखो एक बहुत बड़ा जो एलुमनाई का बेस मिलता है उसका फ़ायदा मिलेगा, इंडस्ट्री कनेक्ट मिलेगा। अगर आपको कभी भी इंटर्नशिप चाहिए तो आपके खुद के एलुमनाई आपको बहुत हेल्प कर देंगे कि मैं कहाँ से इंटर्नशिप करूँ, तो आपके एलुमनाई बेस इतना बड़ा है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, पर्टिकुलरली एरिया जिस एरिया में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप सेल है सिर्फ और सिर्फ पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इनके पास 10 करोड़ का बजट है, 125 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग दे चुके हैं और कई सारे कंपनीज के साथ उनका कोलैबोरेशन है। इसका फ़ायदा उठाओ, एलुमनाई बेस का फ़ायदा उठाओ। और अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ, पारुल पे, कौन से कोर्स पे बनाऊँ, बिल्कुल बताओ। थैंक यू सो मच।